ठीक है. नाउ वी डिस्कस अजैक्स ऑपरेशन बाय जिक्वेरी. ठीक है, अभी तक हमने हमारा जो सेशन था प्रीवियस सेशन, इसमें हमने अजैक्स ऑपरेशन बाय जावास्क्रिप्ट हमने डिस्कस किया है. ठीक है, मैं आपको एक बार अपना डेमो एक बार दिखाता भी हूँ. इसके पहले सेशन में आपको ये लेक्चर्स आपको मिल भी जाएगा, जिसके अंदर हमने अजैक्स बाय जावास्क्रिप्ट का पूरा इम्प्लीमेंटेशन किया है. हमने एक सर्च बॉक्स इसके अंदर क्रिएट किया है. ठीक है, लेकिन एक और दूसरा अप्रोच है आपके पास अजैक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ASP.NET MVC में, दैट इज़ कॉल्ड अजैक्स विथ jQuery. ठीक है, तो ये जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है ये है अजैक्स विथ जावास्क्रिप्ट. ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो अजैक्स इम्प्लीमेंटेशन है उसका अप्रोच सभी टेक्नोलॉजीज में लगभग सिमिलर है, क्योंकि अजैक्स का मेन यूज़ क्या होता है कि जो भी आपका डायनेमिक डेटा है उसको सर्वर पे सेंड करना. ठीक है, और वापस से डायनेमिक डेटा को उठा करके क्लाइंट साइट पे दिखाना, जो काम जावास्क्रिप्ट और jQuery के थ्रू पॉसिबल नहीं है. जावास्क्रिप्ट और jQuery सिर्फ आपको क्लाइंट साइड एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड कर सकते हैं, हम सर्वर साइड ऑपरेशंस जावास्क्रिप्ट jQuery के थ्रू नहीं कर सकते. इसलिए इनके बीच में क्या ऐड किया गया, अजैक्स ऐड किया गया, क्योंकि अजैक्स जो होता है वो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए दो टेक्निक यूज़ करता है, या कि वो XML के थ्रू डेटा को सेंड करता है या लेके आता है, दूसरा JSON फॉर्मेट रहता है. तो अभी अपन जो एग्जांपल देख रहे हैं इसमें हम अजैक्स विथ jQuery विथ JSON अप्रोच यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो हाउ वी इम्प्लीमेंट अजैक्स. ठीक है, हमारा जो सेशन है ये अजैक्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कितने तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, दैट थिंग वी आर डिस्कसिंग. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन इसके पहले वाले सेशन में बताया हुआ है कि अजैक्स हम क्यों यूज़ करते हैं. मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अजैक्स का मतलब होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML. एसिंक्रोनस का मतलब होता है साइमल्टेनियस, यदि आप एक से ज़्यादा ऑपरेशन एक साथ करते हो उसे बोलते हैं एसिंक्रोनस, स्टेप बाय स्टेप यदि कोई भी ऑपरेशन करते हो उसे बोलते हैं सिंक्रोनस. ठीक है, अजैक्स हम ASP.NET अजैक्स, ठीक है, हम अजैक्स को दो तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. एक है आपका ASP.NET अजैक्स इम्प्लीमेंटेशन, ये क्लासिक में चलता है मोस्टली, MVC में ये अप्रोच नहीं चलता है. यदि आप ASP.NET क्लासिक सीखना चाहते हो तो वहाँ पर अजैक्स का एक अपना खुद का .NET का अप्रोच है. अजैक्स के अंदर स्क्रिप्ट मैनेजर होता है, अजैक्स के अंदर अपडेट पैनल होता है और वहाँ से आप बना सकते हो. दूसरा आता है jQuery अजैक्स, इसके अंदर हम jQuery के थ्रू अजैक्स इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. ठीक है, हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर jQuery अजैक्स का इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए $.ajax मेथड, ये एक कॉमन मेथड होती है. जब भी हम jQuery का यूज़ करेंगे तो इस मेथड का यूज़ करेंगे. ठीक है, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ .NET के लिए नहीं है, $.ajax मेथड जो है ये जावा PHP दूसरे जगह भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इस कॉमन अप्रोच $.ajax मेथड, ये इसका एक अलग से एक प्लगइन आता है, उसको भी आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर रखना पड़ेगा. $.ajax मेथड ये एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के लिए अजैक्स रिक्वेस्ट के लिए है. इसमें आपको गेट या पोस्ट दो अलग अलग टाइप के मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं. गेट और पोस्ट मेथड आपको पता होना चाहिए कि ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के टेक्निक होते हैं. अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि $.ajax मेथड आप यूज़ करोगे उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर होते हैं. जैसे हमने अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर किया था, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी क्या था कि हमारे पास XML HTTP रिक्वेस्ट था, ऑन रेडी स्टेट चेंज था, ओपन मेथड था, सेंड मेथड था, यहाँ पर हम मेथड टाइप पास करते थे, यहाँ पर हम URL पास करते थे, यहाँ पर हम एसिंक्रोनस है कि सिंक्रोनस, एसिंक मतलब मोड पास करते थे. तो वही काम, ये काम हमने पूरा जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी किया है, उसी काम को अपन jQuery के थ्रू भी कर सकते हैं. बस थोड़ा सा सिंटैक्स में डिफरेंस है कि यहाँ पर ये पैरामीटर का नाम हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पैरामीटर की वैल्यू दे रहे हैं. यहाँ पर अपन पैरामीटर का नाम भी दे रहे हैं और पैरामीटर की वैल्यू भी दे रहे हैं. ठीक है, एसिंक मतलब एसिंक्रोनस ट्रू, ये किसके लिए होता है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए होता है. यदि आपने एसिंक के अंदर फॉल्स कर दिया तो ये सिंक्रोनस हो जाएगा, और यदि एसिंक के अंदर यदि आपने ट्रू कर दिया तो ये सिंक्रोनस हो जाएगा. इसको आपको ऐसा लिखना है, एसिंक ट्रू या फॉल्स. टाइप दो होते हैं, गेट या पोस्ट. ठीक है, मेथड के लिए होता है, URL मतलब आपका नेविगेशन के लिए होता है कि भाई आपको कहाँ जाना है, एक्शन किस पेज में परफॉर्म करना है. ठीक है, यहाँ पर URL रहेगा. इसके बाद डेटा. ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं, इसके अंदर मैंने यहाँ पे एलेबरेट भी किया हुआ है. डेटा का मतलब ये है कि आपका कौन से डेटा को सर्वर, डेटा सेंड टू बी द सर्वर, कौन सा डेटा आपको सर्वर भेजना, मतलब पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे डेटा में. ठीक है, इसके बाद डेटा टाइप, आपको डेटा मैंने आपको डिस्कस किया था कि हम XML JSON ये सभी क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं जिनके थ्रू हम डेटा सर्वर पे भेज सकते हैं या सर्वर से डेटा ला सकते हैं. कौन से, किसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन होगा, तो हम यहाँ पे JSON यूज़ करेंगे. JSON मैं आपको समझा देता हूँ कि JSON एक जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बोलते हैं इसको, और ये भी एक तरह से एक पैटर्न होता है डेटा को ट्रांसफर करने का. जैसे XML डेटा पैटर्न होता है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, कहाँ से, क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट. वैसे यदि आपको XML के अलावा कोई दूसरा डेटा पैटर्न यूज़ करना है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप JSON यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद कंटेंट टाइप, कि आप भाई कंटेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर. ठीक है, कंटेंट टाइप मतलब आपका यदि XML है तो आपको वहाँ पे XML का कंटेंट टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, JSON है तो आपको JSON का कंटेंट टाइप डिफाइन करना पड़ेगा. और लास्ट पैरामीटर मतलब इसके अंदर सेकेंड लास्ट पैरामीटर होता है सक्सेस. सक्सेस का मतलब जो आपका रिजल्ट है उसको आपको कहाँ दिखाना है, रिजल्ट आप कहाँ पर शो करना चाहते हैं. ठीक है, जैसे हम यहाँ पर, ये हमारा सक्सेस था,
किसके अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो जेक्वेरी के अंदर आपको सक्सेस के लिए इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और लास्ट में यदि कोई भी एरर आ गया तो उस एरर को यदि आपको पता करना है कि भाई कोई प्रॉब्लम है या कोई, जैसे डीबगिंग करना थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है जावा स्क्रिप्ट मॉडल में, तो जेक्वेरी ने अपने आप एक नया पैरामीटर लॉन्च करके बताया एरर की, यदि आपको किसी भी टाइप का कोई एरर आ रहा है, रन टाइम एरर आ रहा है, यूआरएल एरर आ रहा है, डेटा एरर आ रहा है, तो वो अपने आप कौन से पैरामीटर को कॉल कर लेगा, एरर पैरामीटर को कॉल कर लेगा। तो ये सभी पैरामीटर्स क्या होते हैं इसके अंदर इंप्लीमेंटेड होते हैं, और इसी कंपोनेंट्स को हमें इसके अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नया कंट्रोलर बनाते हैं। एड न्यू आइटम, यहाँ पर जो कंट्रोलर का नाम होगा, यहाँ पे मैंने सिंपल सॉरी यहाँ पे कंट्रोलर हम डायरेक्टली मैनेज कर लेंगे। राइट क्लिक किया, एड में गए, यहाँ पे कंट्रोलर अपन एम्प्टी कंट्रोलर ही लेते हैं, इसका नाम दे देता हूँ मैं अजैक्स जेक्यूरी कंट्रोलर। दिस इज द कंट्रोलर व्हाट आई हैव क्रिएटेड, मैंने ये कंट्रोलर बनाया पहले स्टेप में। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक मेथड बना लिया। ठीक है, दो मेथड होते हैं एमवीसी के अंदर, आपको पता होगा। पहला मेथड होता है लोड मेथड और दूसरा मेथड होता है एक्शन मेथड। तो हमें भी लोड मेथड के अंदर का लोड व्यू बना लिया। यहाँ पर हमें जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, मैं तो सिंपल अभी एक बटन पे क्लिक करके एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो बटन के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट भी ले सकते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिया। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल बटन है ये, तो ऐड स्टूडेंट नाम से एक पर्टिकुलर क्या आ जाएगा, बटन आ जाएगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का पूरा कोड लिखूंगा। स्क्रिप्ट इज द कोड, ये आपका पूरा जावा स्क्रिप्ट जेक्यूरी का कोड है, सॉरी जावा स्क्रिप्ट कोड नहीं है, जेक्यूरी का कोड है। और आपको पता है कि जेक्यूरी का कोड अपन कैसे लिखते हैं। जेक्यूरी का कोड लिखने के लिए अपन यहाँ पर लिखेंगे डॉलर, पहले आप चेक कर लो कि जेक्यूरी इज़ प्रॉपरली वर्किंग आर नॉट, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। और जेक्वेरी पूरा नेस्टिंग सीक्वेंस में आपका क्या होगा, इसमें के अंदर मैनिपुलेट होगा। ठीक है, दिस वे वी कैन इंप्लीमेंट दिस प्रोग्राम, नहीं याद। ठीक है, यहाँ पे डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी यहाँ पर मैनेज करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर मैं सिंपल अभी आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जेक्वेरी और अजैक्स इन दोनों के लिए आपको दो प्लगइन फाइल ऐड करना पड़ेगा। एक प्लगइन फाइल आपका, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ जेक्वेरी, जैसे जावा स्क्रिप्ट का कोई प्रॉपर सिंटैक्स नहीं, आप स्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन जेक्यूरी के अंदर आप डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। पहले आपको डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, मैंने इसके पहले सेशन में भी आपको जेक्यूरी बताया हुआ है, तो आप उस लेक्चर्स को, आप जेक्यूरी लेक्चर्स को मेरे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने जेक्यूरी के बारे में बताया कि हम जेक्यूरी कैसे लिखते हैं, किस तरीके से हम एमपीसी में जेक्यूरी का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, जावा स्क्रिप्ट और जेक्यूरी में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि जावा स्क्रिप्ट जो होता है वो किसी भी टाइप के किसी प्लगइन पर डिपेंड नहीं होता, जेक्यूरी आपका प्लगइन डिपेंडेंट होता है। तो आपको इसके लिए पहले प्लगइन आपके पास होना चाहिए। प्लगइन मतलब सेट ऑफ लाइब्रेरीज जो एक जावास्क्रिप्ट की फाइल में रहते हैं। तो देखो, सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप टूल्स में जाओ। टूल्स में जाने के बाद आपको न्यूगेट पैकेज मैनेजर्स के अंदर जाना है। न्यूगेट पैकेज मैनेजर से आप यहाँ से मैनेज न्यूगेट पैकेज मैनेजर इंस्टॉलेशन में जाना है। यहाँ पर जाकर के आपको सिंपल जेक्यूरी का फोल्डर या स्क्रिप्ट का फोल्डर क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, व्हेन वी विल क्लिक ऑन न्यूगेट पैकेज देन दिस ऑप्शन विल बी ओपन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इंस्टॉल्ड में जाऊँगा, तो ये जितने ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड हैं वो सभी कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे सिंपल लिखूँगा जेक्यूरी अजैक्स। जैसे मैंने यहाँ पे जेक्यूरी अजैक्स लिखा, तो जेक्यूरी अजैक्स के अंदर के जितने भी रिक्वायर्ड फाइल होंगे वो फाइल्स आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डॉट जेक्यूरी डॉट अनस्ट्रक्टिव अजैक्स, ये आपके सामने इम्प्लीमेंटेड है। हम इस फोल्डर्स को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अजैक्स एग्जाम्पल के अंदर ये पूरा का पूरा डेटा इसके अंदर जा करके मैनेज कर देगा ये। इट इज इंस्टॉलिंग, ये मैसेज दे रहा है, क्योंकि आपको अनऑब्स्ट्रक्टिव डॉट अजैक्स फाइल की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी और जेक्यूरी फाइल की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इन दोनों फाइल्स को आपको इसके अंदर रखना रहेगा।
ठीक है, इट विल टेक सम टाइम डिपेंड ऑन इंटरनेट स्पीड. ठीक है, नाउ वी सी दैट इट हैज़ प्रॉपरली इंस्टॉल्ड एंड ये प्रॉपरली आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर बना चुका है. ठीक है, बस ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे jQuery ना सिर्फ jQuery लिखना है, jQuery AJAX लिखना है. ठीक है, सर्च करने चाहिए तभी आपको पूरी लाइब्रेरी आपको मिलेगी. अब हमें सिंपल ये दोनों लाइब्रेरी जैसे jQuery का जो min.js है इस फाइल को यहाँ पर आप इसको एज अ स्क्रिप्ट यूज़ कर लीजिए. दूसरी फाइल जो है आपका AJAX इम्प्लीमेंटेशन भी करना है अपने को, तो AJAX का जो min.js फाइल है उसको भी अपन इसके अंदर यूज़ कर ले. दोनों फाइल्स मतलब अपने को यूज़ करना रहेगा. यहाँ दिस इज jQuery फाइल एंड दिस. ठीक है, मिनिमाइट फाइल इज द बेटर, इट्स परफॉर्मेंस इज बेटर. अब अपन ये कोड जो इम्प्लीमेंट करेंगे एक बार इस कोड को अपन चेक करके देख सकते हैं कि हमने पहले डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन लिखा. अब अपने को क्या करना है, इस सबमिट बटन पे कॉल करना है, तो डॉलर सबमिट के लिए क्या आएगा, डॉलर. ठीक है, जब भी अपन btn सबमिट है इसका नाम क्या है, आपका आईडी से अपन कॉल कर सकते हैं हैश btn सबमिट, इसका नाम आईडी क्या है, btn सबमिट है डॉट. इसके अंदर इवेंट थोड़ा डिफरेंट होता है jQuery के अंदर, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे डॉट क्लिक, और इसके अंदर फंक्शन देकर के एक बार अपन इसको चेक कर लेते हैं कि इट्स द प्लगइन इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. ठीक है, अलर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन टू चेक दैट. आप पूरा कोड एक साथ मत लिखिए, पहले आप जस्टिफाई हो जाइए कि वर्किंग इसकी प्रॉपरली है कि नहीं है, मतलब jQuery वर्जन कंपेटिबिलिटी विद विजुअल स्टूडियो इट्स करेक्ट और नॉट, दैट थिंग वी आर चेकिंग. ऐप स्टार्ट में जाइए, यहाँ पे ऐप स्टार्ट में अंदर जा करके रूट कॉन्फ़िग में जाएंगे, कंट्रोलर में अपन यहाँ लिख देंगे AJAX jQuery, AJAX एंड jQuery. नाउ वी क्लिक ऑन बिल्ड ऑप्शन, इसके बाद हमने यहाँ पे बिल्ड ऑप्शन पे क्लिक किया, बिल्ड हैज बीन स्टार्टेड. नाउ आई विल क्लिक ऑन इट, इसके बाद हम इसमें क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज, हम इसको टेस्टिंग पर्पज से यूज़ कर रहे हैं. Now we open it and click on add student button. ठीक है, हमने इसको ओपन किया और add student button पर क्लिक किया, तो देख यहाँ से jQuery आपका प्रॉपरली चल रहा है. देयर मीनिंग इज दैट कि jQuery इज वर्किंग प्रॉपरली. ओके, तो jQuery के प्लगइन्स स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, सब कुछ बेटर है. अब हम इसके अंदर AJAX का कोड लिखते हैं. AJAX का कोड इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए देखो, AJAX का जो कोड होता है वो कभी भी आपको कंट्रोलर में नहीं लिखना है, AJAX का कोड हरदम आपको व्यू के अंदर ही लिखना है. तो अब यहाँ पे अपन ने अलर्ट हेलो किया हुआ है, यहाँ पर ही अपन एक फंक्शन इवेंट लिख करके, मतलब ये पूरा का पूरा जो हमारा प्रोग्राम कोड है, इस पूरे प्रोग्राम कोड को अपन इम्प्लीमेंट करते हैं. दिस इज द कम्प्लीट कोड बट वी हैव मैनेज्ड इट. ये आपका वही सेम है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मैथड है. इसके अंदर अपन ने वेर स्टूडेंट नाम से क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया, और मेन मैथड आपका ये है, इसमें टाइप अपन ने पोस्ट दिया. अब अपने को जहाँ पर नेविगेट करना है,
अपने को AJAX jQuery के अंदर अपन एक नया फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट एंड द फंक्शन नेम इज होम, आफ्टर दैट रिटर्न व्यू। ठीक है, जिस भी नाम से हमें फंक्शंस बनाना है वो नाम अपन यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, और इसका जो पाथ है वो पाथ अपन यहाँ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या है, कंट्रोलर का नाम क्या है, AJAX jQuery, और यहाँ मेथड का नाम, जो भी मेथड का नाम हम यहाँ पे देते हैं, और इज द मेथड नेम, द मेथड नेम इज द होम, यहाँ पे इसका नाम अपन ने होम दे दिया। आफ्टर दैट कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप के अंदर अपन ने यहाँ पर एप्लीकेशन जेएसएन और जेएसएन फॉर्मेट में डेटा मैनेज करने के लिए यहाँ पर अपन ने जेएसएन लिखा। इसके बाद यहाँ पे सक्सेस की वैल्यू दे दी अपन ने। ठीक है, यहाँ पर भी कॉमा सेपरेटर यूज होगा। ठीक है, जेएसएन इसके बाद कॉमा कंटेंट टाइप दे। सक्सेस के अंदर अपन ने एक सिंपल एक अलर्ट मैसेज यहाँ पर मैनेज किया, एरर, यदि किसी भी टाइप का कोई एरर होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरर अकर्ड का एक मैसेज आ जाएगा। controller.cs इसके अंदर ये पूरा कोड हमने इंप्लीमेंट किया। इट विल रिटर्न json, यहां पर अपन एक क्लास अभी बना लेंगे अपन स्टूडेंट, ये मॉडल के अंदर भी चाहे बना सकते हैं इस क्लास को। HTTP पोस्ट, यहाँ पर हमें HTTP पोस्ट देना रहेगा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स के अंदर जो भी पैरामीटर्स अपन ने यहाँ पे पॉसिबल दिया है उसके लिए अपन एक अलग से क्लास बना लेंगे, जिसमें ID, नेम, एज। ठीक है, दिस इज द मॉडल क्लास। मॉडल के अंदर जाएं और यहाँ पर, क्योंकि जितने भी क्लासेस होते हैं सब अपन किसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं, मॉडल्स के अंदर। यहाँ पर राइट क्लिक किया, एड न्यू आइटम, ईयर कोड, और यहाँ पे अपन ने एक क्लास बना दिया, इस क्लास का नाम अपन ने दे दिया स्टूडेंट डॉट, ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्योंकि अपन ने पहले इस प्रोग्राम में स्टूडेंट नाम से इस तरीके से बनाया हुआ है, तो अपन इसका नाम एक नया नाम दे देते हैं, एड न्यू आइटम, और यहाँ पे इस क्लास का नाम अपन ने दे दिया स्टूडेंट न्यू, स्टूडेंट। पॉसिबल जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स अपन यहाँ पे ले लेते हैं, इसमें पब्लिक इंट आईडी, गेटर एंड सेटर, सेकेंड वन इज आईडी के बाद है सेकेंड नेम एंड एज, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, गेटर एंड सेटर, आफ्टर दैट पब्लिक इंट एज, हियर गेटर एंड दीज एट्रीब्यूट्स आई हैव डिक्लेयर्ड हियर। अब यहाँ पे सिंपल आपको जाना है, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, ये तो वेरिएबल का नाम है, इसमें अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेन जो है आपका यहाँ पर, यहाँ पर आप मॉडल के अंदर, चूंकि क्लास मॉडल के अंदर है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यूजिंग AJAX एग्जाम्पल डॉट मॉडल्स, और यहाँ पे स्टूडेंट अपने पास जो क्लास का नाम है उसका नाम क्या है, स्टूडेंट न्यू एस, यहाँ पर पूरी वैल्यू क्या होगी, माइग्रेट होगी। ठीक है, इसका नाम आप जो भी रेफरेंस देना है, ST देना है तो आप ST दे सकते हैं। ये हो गया सक्सेसफुली एजेट, ये मैसेज आपके पास आ जाएगा, और डेटा आपका जो भी मैसेज है वो मैसेज अपना जो भी MSG है, फिर इसी MSG को अपन डेटा के अंदर प्रिंट करा रहे हैं। ठीक, डेटा डॉट MSG, जो भी आपका सक्सेसफुल मैसेज है वहाँ से वो मैसेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि पूरा डाटा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये की वैल्यू पेयर में होता है, तो यहाँ पे जो की है उसका क्या है, MSG, क्योंकि JSON में ये की हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा जब रन टाइम में एक JSON आपका क्रिएट होगा। करेक्ट, तो ये पूरा प्रोसेस हमें यहाँ पे फॉलो करना है। अब हम इसको एक बार चला करके देखते हैं कि हाउ इट्स वर्किंग।
दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस. जैसे मैं ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये स्टूडेंट क्या हो चुका है, उस पर्टिकुलर रेफरेंसेस के अंदर ऐड हो चुका है. और यहाँ पे आपको जो मैसेज मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, डेटा से मिल रहा है. ठीक है, देयर मीनिंग इज दैट जैसे मैं आपको मैसेज में क्या दिख रहा है, यहाँ पे सक्सेसफुली एडेड. और यहाँ पर चूंकि हम स्टूडेंट का नाम, जो स्टूडेंट अपना ऐड हुआ है उस स्टूडेंट का नाम भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये तो मैंने अभी आपको नॉर्मली अपन यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी का पूरा कोड भी लिख देंगे, तो जो भी डेटा आपका वहाँ पे आएगा वो पूरा डेटा क्या हो जाएगा, इसके अंदर मैनिपुलेट हो जाएगा. ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर जो इनपुट ले रहा हूँ ये क्या ले रहा हूँ, अभी हार्ड कोड इनपुट ले रहा हूँ. यहाँ पर मैं तीन टेक्स्ट फील्ड बना लूँगा, आई डी, नेम और एज. और इन तीनों टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं गेट भी कर सकता हूँ. ठीक है, जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तीनों टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गेट कर लूँगा. और इन तीनों टेक्स्ट फील्ड के डेटा को भी मैं डेटाबेस पर भी पोस्ट कर सकता हूँ. तो इसके लिए सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीन टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू मैंने लिया इनपुट, इसका आईडी दे दिया मैंने टीएक्सटी. ठीक है, आईडी. ओके, इसके लिए मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर दे दिया मैंने इंटर आईडी. फिर यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट फील्ड आएगा, एंटर नेम. तीसरा टेक्स्ट फील्ड आएगा, एंटर एज. ये तीनों टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे, टी एक्स टी आई डी, यहाँ पे आ जाएगा टी एक्स टी नेम, और यहाँ पे आ जाएगा टी एक्स टी एज. ठीक है, और इसके अंदर मैं अब यहाँ पर डेटा जो है अभी मैंने यहाँ पे ऐसा दिया है, यहाँ पे डॉलर. आपको पता होना चाहिए कि जे क्यूरी के थ्रू अपन को भी डेटा को एक्सेस करना है, तो हैश टी एक्स टी आई डी, और यहाँ पे आ जाएगा सिंगल कोड की कोई आवश्यकता नहीं है. यहाँ पे डॉट वैल, वैल मतलब होता है वैल्यू, मतलब पहले टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू इस तरीके से इसमें आ जाएगी. दूसरे टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू यदि मुझे मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे ले लूँगा डॉलर हैश टी एक्स टी नेम डॉट वैल, और तीसरा टी एक्स टी आई डी, यहाँ पे टी एक्स टी एज डॉट वैल. अब इसको चूँकि टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेटा है आपका, तो इसके लिए टाइप कास्टिंग करने के लिए आप यहाँ पे लगा दो इंटीजर डॉट पार्सेंट, सॉरी पार्सेंट, इसमें इंटीजर डॉट पार्सेंट, इसमें सिर्फ पार्सेंट से ही आपका काम हो जाएगा. यहाँ पर हम सिर्फ पार्सेंट लगा देंगे, तो जो भी डेटा आपका स्ट्रिंग में आएगा और वो किसमें चला जाएगा, इंटीजर में चला जाएगा. ये तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू अपन यहाँ पे भेज सकते हैं, क्या क्या वैल्यूज है, आपका आई डी है, नेम है और एज है. अब ये तीनों वैल्यूज आपके कहाँ पर मैनेज हो जाएंगे, यहाँ पर मैनेज हो जाएंगे. क्योंकि सीधी सी बात है, ये कहाँ पर जा रहे हैं, जा रहा है यहाँ पे जा रहा है. अब ये यहाँ पर आप डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना करके डेटा आप पूरी तरह से इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो आपके मॉडल्स के अंदर, मतलब आप अपने डेटाबेस में इस टाइप का फील्ड बना दो जिसमें आईडी हो, नेम हो, एज हो. ठीक है, और उस डेटा को अपन डेटाबेस में सेव कर सकते हैं. तो सिंपली दिस वे वी कैन मैनेज द डेटा, जिससे आपका पूरा डायनेमिकली डेटा क्या हो जाएगा, असाइंड हो जाएगा. अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ. ये आगे आपका यहाँ पे आईडी दे दिया मैंने 1002, नेम दे दिया मैंने मनीष कुमार, और एज दे दिया मैंने 25. नाउ आई विल एड स्टूडेंट. देखो आपको ऑटोमेटिकली सक्सेसफुली एडेड मनीष, इस टाइप का मैसेज आपका यहाँ पे मैनिपुलेट होता है. ठीक है, तो ये सिंपल स्टेप्स हैं, इस तरीके से आप डेटा को मैनेज कर सकते हो. तो ये ज़्यादातर यूज़ होने वाला प्रोसीजर है. बस ये ध्यान रखना कि आपके पास ये दोनों प्लगइन्स इसमें अवेलेबल होना चाहिए. ओके, और अजैक्स ये यहाँ पर आपका URL होना चाहिए, टाइप होना चाहिए, किस टाइप से डेटा भेजना है वो होना चाहिए. मैं आपको फिर से यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जो JSON अपन ने यूज़ किया है मेथड, इसका काम ये है कि जो भी आपका डेटा आ रहा है उसको वो JSON फॉर्म में भेज रहा है, तो ये JSON में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, तो आप चाहो तो एक JSON रिजल्ट करके भी होता है, उसका भी यूज़ कर सकते हो, वो भी JSON में डेटा को भेजता है. तो ऑप्शनल है, आप इसका यूज़ करें या उसका यूज़ करें. ठीक है, और इसको हम डेटाबेस में सेंड करने के लिए बस हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, जैसे ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस क्रिएटेड है. ठीक है, ऐप अंडेस को डेटा के अंदर यदि अपन जाएंगे तो हमारे पास मेरे ख्याल से शायद अपने पास स्टूडेंट नाम से भी एक टेबल बना हुआ है. यदि नहीं बना हुआ है तो आप पहले डेटाबेस बना सकते हो. बस ये है कि जो कंसर्न्ड कॉलम्स हैं वही कंसर्न्ड कॉलम्स क्या होना चाहिए, इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए. नाउ आई एम ओपनिंग द फाइल्स. नाउ वी क्लिक ऑन टेबल्स. यहाँ पर एक नया टेबल अपन बना लेते हैं. ठीक है, अपने पास मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा पैरामीटर्स क्या होंगे, चेंजेस होंगे, और इस टेबल को हमने ऑलरेडी दूसरे एप्लीकेशन में यूज़ किया है या दूसरे जगह यूज़ किया था, हम इसको चेंज नहीं करेंगे. यहाँ पर एक नया टेबल ही ऐड कर लेते हैं. इस टेबल का नाम दे दिया अपन ने STU1.
एक्सक्लूसिव आईडी इंट, यहाँ पे जाएगा आईडी है, दूसरा क्या है नेम, आईडी नेम और एज, तो वही सेम थिंग्स अपन यहाँ मैनेज कर लेंगे, आईडी नेम बैक है और यहाँ पे एज आईएनटी दे दिया। नाउ अभी अपडेट, अब इसको अपन अपडेट कर लेते हैं। अपडेट डेटाबेस, आपका टेबल यहाँ पे रिफ्रेश करिए, टेबल मेरे ख्याल से क्रिएट हो गया होगा, ठीक है, टेबल हैज क्रिएटेड हियर एसटीयू के नाम से। अब मॉडल में जाकर के चेंजेस करना पड़ेगा, यहाँ पे ओपन कर लो मॉडल को, ये मॉडल ऑलरेडी ओपन हो गया, यहाँ से जाने के बाद अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, टेबल्स को चेक कर लो, जो भी करने करेस्पॉन्डिंग टेबल होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा और एक बार बिल्ड कर लो, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद बस आपको ये दो फाइल्स रहती हैं, इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है, राइट क्लिक करो यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा रन कस्टम टूल, मॉडल 1.tt, यहाँ पे भी क्या जाएगा रन कस्टम, इसे टेबल आपका क्रिएट हो जा करके यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। बस अब पूरे प्रोसेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बस सिंपल टेबल का ऑब्जेक्ट बनाना है और इसको मैनिपुलेट करना है। डेटाबेस वन एंटिटीज डीबी इक्वल्स टू न्यू डेटाबेस वन एंटिटीज और यहाँ पे डीबी डॉट एसटीयू, देखो यहाँ पर एक बार बिल्ड कर दो, यह डीबी डॉट एस टी यूज डॉट एड इज अ प्रीडिफाइंड, पूरा डेटा किस में आ रहा है, एस टी में आ रहा है, यहाँ पे एस टी में मैनेज कर देंगे और डीबी डॉट सेव चेंजेस कर देंगे। दो मेथड्स आपको मैनेज करना है, डीबी डॉट एस टी यू डॉट एड किसकी वैल्यू अपने को ऐड करना पड़ेगा, इस एस टी की वैल्यू ऐड करना पड़ेगा जो स्टूडेंट न्यू के अंदर मैनेज्ड है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर जो भी डेटा अपना मैनिपुलेटेड है वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यदि इस टेक्निक से यदि ये नहीं ले रहा है तो आप इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हो, एस टी यू एस इक्वल्स टू न्यू एस टी यू एस डॉट, यहाँ पे जाएगा आई डी इक्वल्स टू एस टी डॉट आई डी एस डॉट नेम इक्वल्स टू एस टी डॉट नेम एस डॉट फीस एज इक्वल्स टू एस टी डॉट यहाँ पर एज, ठीक है, इसके बाद डी बी डॉट एस टी यू एस डॉट एड, यहाँ पर क्या जाएगा एस आ जाएगा एंड डी बी डॉट सेव चेंजेस। दिस वे वी आल्सो मैनेज कि अपन ने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इस तरीके से हमने इसको मैनिपुलेट कर लिया। नाउ वी बिल्ड दिस प्रोग्राम एंड नाउ कंटिन्यू दिस, अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं।
the data मैंने यहाँ पे दिया 101 x by z 24. Now we click on add string. तो ये आपका डेटा क्या हो गया, आपका सक्सेसफुली ऐड हो गया. आप इसको देख भी सकते हैं डेटाबेस के अंदर जा करके, व्यू सर्वर एक्सप्लोरर में जाइए, डेटाबेस वन एंटिटीज. नाउ वी गो ऑन टेबल्स एंड क्लिक ऑन स्टूडेंट्स शो टेबल डेटा. यहाँ से आपको डेटा दिख भी जाएगा. ठीक है, ये डेटा आपका दिख गया, देयर मीनिंग इज दैट कि डेटा आपका इंसर्ट. ओके, तो इस तरीके से हमने इस सेशन में देखा कि कैसे हम अजैक्स विद जेक्यूरी के थ्रू डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये स्टेप्स आप फॉलो करके इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर दिस.